आपका बनाना था, बॉडी का चार्ट मैंने आपको दिया था ग्रुप में, टू हाँ अंडरस्टैंड दी बॉडी में कौन कौन से राशिज कहाँ कहाँ पे लैंड करती हैं। अब यहां से आप अपनी बॉडी, अपने हिट को मजबूत भी कर सकते हो, ये इंडिविजुअल हो जाता है। अभी लेट अस अज्यूम किसी के चंद्रमा पे मंगल की हिट बढ़िया आ रही है, पॉजिटिव हिट है मंगल की। अभी हमने आपके केस में बात किया था शनि को पुरुषा करने की चंद्रमा के लिए, क्यों चंद्रमा जो है हिट दिख रहा था शनि को, सॉरी शनि जो है चंद्रमा को हिट कर रहा था, तो उसके लिए हमने शनि की पोजीशन को चेंज किया। अब यहाँ पे चंद्रमा पे मंगल की हिट को लेके आना है पॉजिटिव, उसको बिठाना है। अभी जैसे चार नंबर में आ जाए, मान ले चार नंबर में अपनी बनियान लाल रंग की पहनना शुरू कर दो, बनियान जो है लाल रंग की पहन, बनियान बहुत सारे बॉडी के क्षेत्र में कवर एरिया में आती है, लेकिन जो बनियान का बेसिक पर्पज है वो वेस्ट है, इट्स ए वेस्ट, इट्स ए वेस्ट टू फॉर हमारी चेस्ट के लिए, तो बनियान पहनो, लेट्स जोन ऑफ मंगल और सॉरी चंद्रमा। अभी शनि को एक नंबर पर पोजिशन करना है, एक नंबर सिर है, अब बाल तो सफेद होंगे नहीं, ब्लैक कैप काले पहन ही ले, हैं, ब्लैक कैप पहन ले। ब्लैक कैप पहन सकते हैं या बाल, वैसे तो उस केस में हमें वहां पे सफेद रंग भी पोजीशन करते हैं ना तो अच्छा होता है, शनि शनि दस सफेद होता है, सरसों का तेल लगाएं बालों में। सरसों का तेल लगाए बालों में, ये अच्छा तरीका है, दैट्स अ गुड गुड वे, दिस इज गुड। शनि दो नंबर में पोजीशन करना है, अभी क्या करोगे, दो व्हाइट नंबर दाढ़ी फेस है, रखो, अब व्हाइट दाढ़ी कैसे करोगे, टैकलिंग करोगे, अभी नहीं सर, व्हाइट दाढ़ी आ जाएगी वो सो जाएगा। तो बुढ़ापे में आएगी अगर, तब तक वेट करोगे, तो सर ब्लैक दाढ़ी भी तो हो जाएगी अपनी, वो रख लेंगे क्या कहते हैं, जैसे जैसे आपने रख रखी है ब्राइट कट। नाक में सरसों का तेल डाला जाता अच्छा हाँ जी, है ना, डाला जाता है थोड़ा सा नाक पे। अरे नाक में सरसों का भी डाला जाता है, बादाम का भी डाला जाता है। सर शनि की बात करते हैं ना, ठीक ओके तो डाल सकते हैं राइट, क्योंकि फेस के ऊपर कोई चिन्ह तो बनेगा नहीं ना, कोई मार्किंग होगी फेस पे, तो सरसों का तेल डाला जाता है, कभी कभी यूज किया जाता है। सर, गले में काला टीका लगा सकते हैं, क्या चीज, काला टीका काला कहीं। टीका लगा सकते हैं, लेकिन हाँ लगा सकते हैं, कान के पीछे लग सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब आज्ञा चक्र पे काला टीका सही नहीं रहेगा ना सर, हाँ आज्ञा चक्र पे काला टीका हो जाएगा। अगर अनकंफर्टेबल है तो मत लगाए, तो तेल तो है ही शनि का, वो तो डेली यूज हो सकता है, नाक भी साफ, नाक का भी इलाज हो जाएगा और उपाय भी हो जाएगा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। ठीक अभी शनि को गले पे पोजीशन करना है, काला काला धागा धागा, तो वो तो सबसे आसान काला काम है, सबसे आसान काम है ना, तो प्लेनेट की वस्तु को आप उसके अनुसार पोजीशन कर सकते हैं। अब आपके पास आया शुक्र, पोजीशन शुक्र इन 11th, पिंडलियों पे शुक्र कहां से लाओगे, ब्रांडेड सॉक्स पहने सर क्या? ओके वो आएगा 12 में, तो 12 है सॉक्स, पिंडलियों पे शुक्र सर, कहां से आएगा, वो बांध पर सकते कोई धागा, उसका चमकीला व्हाइट कलर का धागा। मुश्किल होगा, और एंकलेट पहन सकते वो क्या होता है, मैडम, वो हम लोग नहीं पहन सर सकते ना पायल एंकलेट, जैसे परफ्यूम स्प्रे कर सकते हैं कोई ब्रांडेड। पिंडली पे परफ्यूम स्प्रे, चमेली का हाँ तेल, स्मेल भी नहीं आएगी पैरों में। तेल तेल खुशबू वाले तेल, खुशबू वाले तेल आते हैं बाजार में बहुत सारे आते हैं, इत्र वाले तेल, लेवेंडर बहुत, इत्र लगा ले पिंडलियों पे इत्र सर। वाले तेल, इत्र मत लगाओ वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इत्र वाले तेल
कि मालिश करो पिंडलियों पे, ठीक है? ये तरीके से आप राशि को अपने अपनी जगह पे पोजीशन कर सकते हो। आशुतोष जी वीडियो खोले, पूर्णिमा जी, सर, ये आशुतोष जुपिटर जी, और मरकरी की एक में क्या रेमेडी होगी? क्या बोले, सॉरी, जुपिटर की, मरकरी पे हिट है, जैसे मरकरी की जुपिटर पे है, दोनों वैनिटी पे हैं। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना, जिसकी दशा चल रही है, अगर वो प्लेनेट किसी से हिट कर रहा है तो वो प्रभावित है। जिसके ऊपर वो प्लेनेट हिट दे रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। जिससे वो हिट खा रहा है उसको ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, दशा कौन सी चल रही है आपकी? शनि की। शनि किसे हिट खा रहा है? चंद्रमा से। शनि किसे हिट खा रहा है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा को ट्रीट करना भी बहुत जरूरी है। देन यू हैव टू पोजिशन चंद्रमा इधर ऑन योर बॉडी इन सच ए वे डेट कि वो 120 की हीट बन जाए, या फिर आप अपने घर के जो आपने उपाय बताया घर के सामान प्लेसमेंट पे उसको चेंज करें आप, तो चंद्रमा की 120 की हीट क्रिएट होगी शनि के लिए। वो बहुत जरूरी है क्योंकि शनि हिट खा रहा है चंद्रमा से, और शनि अगर चंद्रमा से हिट खा रहा है तो शनि को नुकसान है। किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड? शनि के और चंद्रमा के सब्जेक्ट से रिलेटेड शनि को नुकसान है। चंद्रमा हीट खा रहा है सर। वो भी खा रहा है, चंद्रमा भी खा रहा है। मैं दशा के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ इस टाइम। दशा के पर्सपेक्टिव, जिस प्लैनेट की दशा चल रही है वो प्लैनेट जिस प्लैनेट से हिट खा रहा है उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। Thank you.